नमस्कार। ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्र सरकार फुल एक्शन मूड में है। सरकार ने नया प्लान बनाया जिसके तहत सरकार करीब 18 लाख सिम और मोबाइल कनेक्शन को अगले 15 दिनों में बंद करने जा रही है। ये पहली बार होगा जब इतनी ज्यादा संख्या में सरकार मोबाइल और सिम कनेक्शन बंद करने जा रही है। ऐसे में आपका जानना बहुत जरूरी है कि कहीं इन 18 लाख मोबाइल कनेक्शन में आपका नंबर तो नहीं है शामिल। टेलीकॉम विभाग की ओर से बीते 9 मई को टेलीकॉम कंपनियों जैसे जियो, एयरटेल और वीआई को 28,220 मोबाइल बैंड को बंद करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही करीब 20 लाख मोबाइल कनेक्शन का दोबारा से वेरिफिकेशन करने के भी निर्देश दिए गए थे। इसके पीछे कारण मोबाइल हैंडसेट से हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड। केंद्र की मोदी सरकार ने देश से साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड को हटाने के लिए सिम कार्ड्स को बंद करने का फैसला किया है। प्लान के तहत सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों की मदद से ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों की पहचान की जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल कनेक्शन और सिम कार्ड का रीवेरिफिकेशन करेगी, उसके बाद उन्हें ब्लॉक कर सकती है। टेलीकॉम कंपनियों की ओर से अगले 15 दिनों में फर्जी मोबाइल और सिम कार्ड को बंद करने का टास्क दिया गया है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में मोबाइल फोन से होने वाले साइबर क्राइम में तेजी से इजाफा हो रहा है। एनसीआरपी की माने तो साल 2023 में डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड में करीब 10,319 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले में 6,94,000 शिकायतें भी दर्ज की गई है। रिपोर्ट की माने तो फ्रॉड के लिए अलग रीजन्स के सिम अलग रीजन में इस्तेमाल किए जाते हैं। पिछले साल साइबर फ्रॉड में शामिल 37,000 सिम कार्ड को बंद किया गया था। इस दौरान करीब 17 मिलियन मोबाइल कनेक्शन को भी बंद किया गया था। इसके अलावा 1,86,000 हैंडसेट को ब्लॉक किया गया था। आजकल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सिम क्लोनिंग जैसी घटनाएं भी सामने आ रही है, जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन फ्रॉड को करने में किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आपका भी सिम बंद हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। सिर्फ साइबर क्राइम, डिजिटल फ्रॉड जैसे कामकाज में शामिल लोगों पर ही कार्रवाई करने के लिए सरकार ने यह एक्शन प्लान तैयार किया है। ऐसे लोगों के मोबाइल हैंडसेट को बंद करने के साथ सिम कार्ड ब्लॉक किया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया। धन्यवाद।